Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. ना शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. हमने रिसेंटली थोड़े दिनों पहले ये बात डिस्कस की थी कि चीताज आर गोइंग टू बी री इंट्रोड्यूस्ड बैक इन इंडिया. चीता की बात करें तो इंडिया में नेचुरली चीता एग्जिस्ट करते थे लेकिन यू नो हंटिंग की वजह से दे गॉट एक्सटिंक्ट. एंड अब अफ्रीका से चीता को वापस लाया जा रहा है एंड दे आर बीइंग री इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया. अगर आप आज का पेपर खोल कर देखेंगे तो यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स यू नो टॉकिंग अबाउट द री इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता. एंड जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. सोचकर मुझे बताओ ये किसकी पिक्चर है. चीता की पिक्चर है या किसी और वाइल्ड कैट की पिक्चर है. नाउ द रीजन बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन इज दैट इफ यू लुक एट द स्पॉट्स दे लुक वेरी सिमिलर टू लियोपर्ड बट द ओनली डिफरेंस इज दे हैव दिस ब्लैक लाइन अराउंड देयर आईज एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. अदरवाइज अगर आप इनकी बॉडी के स्पॉट्स देखेंगे इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लियोपर्ड. It is somewhat similar. So therefore it is very important for us to understand not just about cheetah. Cheetah ki species to important ho hi gayi. Lekin but ye pura ka pura jo cat genus hai that becomes important. Cat genus mein mainly hamare paas 7 big cats aate hain jinko hum big cats kehte hain. But mainly we have 3 important genus. Panthera, Puma and Acinonyx. Acinonyx is also important. हम वन बाय वन एक एक जीनस को देखेंगे बीट पेंथेरा बीट प्यूमा बीट यू नो Acinonyx. एंड लेट्स सी कि कौन सा बिग कैट किस जीनस को बिलोंग करता है. थिंक अबाउट इट. अब चीता के बारे में तो बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं. जस्ट ट्राई टू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स राइट नाउ वॉट यू थिंक चीता किस जीनस को बिलोंग करता है. पेंथेरा प्यूमा और Acinonyx. वेल इसका आंसर आज की वीडियो में मिल जाएगा. हम सिर्फ चीता की बात नहीं करेंगे जो बाकी 7 बिग कैट्स हैं उनको भी डिटेल में यहाँ पे समझेंगे. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट जीनस विच इज पेंथेरा. नाउ पेंथेरा वो जीनस है जिसमें मेनली हमारी जितनी भी जो वाइल्ड कैट्स हैं दे रोर वो दहाड़ती हैं. दे डू नॉट पर वो पर नहीं करती. पर इज़ अ टर्म यूज फॉर अ लो कंटिन्यूस वाइब्रेशन. जो वाइब्रेटरी साउंड होती है ना जैसे कैट्स जो है वो जो आवाज़ निकालती हैं धीरे धीरे व्हेन दे रब देयर लेग्स और समथिंग. सो दे पर डाउन दे डोंट पर दे जस्ट रोअर. याद रखेंगे पेंथेरा वो ग्रुप है विच रोअर्स. ठीक है जी. लेकिन पेंथेरा में भी हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स बन गए हैं अकॉर्डिंग टू the similarities that they have. एक ग्रुप है लायन लेपर्ड और जैगुआर का. दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. और दूसरा ग्रुप है टाइगर और स्नो लेपर्ड का. अकॉर्डिंग टू हाउ क्लोजली दे आर रिलेटेड. एक तरफ स्नो लेपर्ड और जैगुआर और दूसरी तरफ टाइगर एंड स्नो लेपर्ड. पेंथेरा ग्रुप की खास बात क्या थी कि ये रोर करते हैं और ये पर नहीं करते. बट स्नो लियोपर्ड एक एक्सेप्शन है. इस पूरे ग्रुप में स्नो लियोपर्ड एक ऐसी वाइल्ड कैट है जो कि रोर नहीं कर सकती. इसीलिए उसको साइलेंट गोस्ट भी बोलते हैं. वो रोर ही नहीं करती. वो दहाड़ता ही नहीं है. पता ही नहीं चलता कि ये बर्फ के पीछे स्नो लियोपर्ड बैठा है अपने आप को कैमोफ्लाज करके. दे जस्ट डोंट रोर. ठीक है ये पॉइंट याद रखेंगे. नाउ वन बाय वन एक एक करके हमारे जो वाइल्ड कैट्स हैं जो बिग कैट्स हैं उनको देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आता है टाइगर आवर नेशनल एनिमल. टाइगर का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टिग्रिस. जीनस कौन सा है पेंथेरा एंड पेंथेरा टिग्रिस इज द स्पीशी. साइज कैन वेरी 75 kg से 300 kg तक हमारी टाइगर की जो वेट है वो जा सकता है. IUCN status अगर हम देखें सो दे आर इनडेंजर्ड. दे हैव दे आर इनडेंजर्ड.
इंडिया का तो नेशनल एनिमल है ही है, लेकिन इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ का भी टाइगर नेशनल एनिमल है। देखो अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई, हमारा नेशनल एनिमल और कौन कौन से कंट्रीज़ का नेशनल एनिमल है। तो इंडिया का तो है ही है, साथ ही में बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का नेशनल एनिमल भी टाइगर है। मेनली फॉरेस्ट एनिमल है, जंगल में रहता है। इसकी जो रेंज है वो आपका सुंदरबन डेल्टा ले लो साउथ एशिया में, यहाँ से लेकर रशिया का जो साइबेरियन टैगा रीजन है वहाँ तक टाइगर प्रेजेंट है। एंड साइज देखो आप 300 केजीज तक ही जा सकता है। दिस इज़ दी लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वाइल्ड कैट्स। एंड ये भी कहा जाता है दैट दिस इज़ दी अर्लीस्ट मेंबर ऑफ पेंथेरा टू एग्जिस्ट। इस पूरे पेंथेरा ग्रुप में सबसे पहला जो मेंबर एग्जिस्टेंस में आया है, हो सकता है कि वो टाइगर हो। वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए भी, हमारा तो भाई नेशनल एनिमल है, टाइगर कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, वी हैव टाइगर रिजर्व, हमने टारगेट अचीव किया है 2 times, यू नो, डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022, या सेंट पीटरबर्ग्स डिक्लेरेशन। सो वी कीप ऑन रीडिंग अबाउट टाइगर्स एंड वी नो दिस कि लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में जो टाइगर सेंसस हुआ था उसमें ये दिखा है कि इंडिया में टोटल टाइगर पॉपुलेशन इज अराउंड 2,967। एंड देखा जाए इंडिया का जो एरिया है ग्लोबली, जिस एरिया में टाइगर प्रेजेंट है, जो ग्लोबल रेंज है, उसका 1/4 एरिया इंडिया में आता है, लेकिन इस 1/4 एरिया में 2/3 एरिया वर्ल्ड के टाइगर्स इंडिया में रहते हैं। 1/4 एरिया में 2/3 पॉपुलेशन का रहना, इट शोज दैट वी आर डूइंग यू नो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। 1/4 एरिया ऑफ ग्लोबल रेंज हैविंग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। इवन हियर मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटका में है। अब देखो कर्नाटका में है 524, मध्य प्रदेश में है 526, दो टाइगर्स का फ़र्क है, लेकिन फिर भी क्योंकि एज अ फैक्ट है तो क्वेश्चन बन के आ सकता है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट यू नो दीज आर द स्टेट्स हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, इसीलिए याद रखेंगे। एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स फॉलोड बाय कर्नाटका। ठीक है जी, तो पहला हमारा नेशनल एनिमल हमने यहाँ पे कवर कर लिया विच इज़ टाइगर, साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टिग्रिस। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारा लायन, साइंटिफिक नेम है पेंथेरा लियो, साइंटिफिक नेम इज़ पेंथेरा लियो। साइज टाइगर से कम है, 100 केजी से 250 केजी तक जा सकता है। मेनली अफ्रीका और एशिया का नेटिव है, अफ्रीका और एशिया में आपको मिलेगा, दिस इज़ द एरिया वेयर द लायन इज़ फाउंड। एंड देयरफॉर हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, वन इज़ अफ्रीकन लायन एंड द अदर वन इज़ एशियाटिक लायन, अफ्रीकन लायन एंड एशियाटिक लायन। अफ्रीका में जंगल बहुत हैं, ग्रासलैंड्स बहुत हैं, देयरफॉर वहाँ पर इतना थ्रेट नहीं है, ओवर देयर दे आर वल्नरेबल। एशिया में दे आर एंडेंजर्ड, सो अफ्रीकन लायन इज़ वल्नरेबल, एशियन लायन इज एंडेंजर्ड। एंड दिट इज़ वन मोर थिंग सेट दैट लायन इज़ द मोस्ट सोशल कैट एंड देयरफॉर दे लिव इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में रहते हैं और उनके ग्रुप को कहा जाता है प्राइड्स, द ग्रुप इज कॉल्ड एज प्राइड्स। दे प्रेफर ओपन फॉरेस्ट, जैसे कि कहीं पे स्क्रब लैंड हो। और जो अडल्ट मेल होता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ अडल्ट मेल एंड दे हैव दिस प्रोमिनेंट मेन अराउंड देयर फेस, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं जो आसपास फ्लो कर रहे होते हैं। दिस इज हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। इंडिया में हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है, जो गिर फॉरेस्ट वाला इंडिया जो एरिया है, वहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलेंगे एंड इट इज सेड दैट इट इज अप्रॉक्सीमेटली 600 एशियाटिक लायंस देयर and that is the last remaining natural habitat of Asiatic lions. And lion is very well recognized and widely recognized animal symbol in our human culture. Aap Ashoka pillars dekh lijiye Sarnath mein, wahan pe lion depicted hai. Buckingham Palace ki base main entry pe lion ko depict kiya gaya hai. 20th century jo Fox and MGM logo tha usme lion tha.
तो लाइन को बहुत ही वेल रिकग्नाइज किया जाता है और वाइडली यूज भी किया जाता है। तो ये हमारी सेकेंड बिग कैट हो गई, विच इज पेंथेरा लियो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज जेगुआर। नेक्स्ट इज जेगुआर। जेगुआर का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा ऑनका। पेंथेरा ऑनका, इसका जो साइज है वो 50 to 110 kgs तक जाता है। दे आर नियर थ्रेटेंड। अमेरिकाज में ये ज़्यादा है, दे आर लार्जेस्ट कैट इन अमेरिकाज। एंड जेगुआर की खास बात ये है दैट दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स। जितनी भी वाइल्ड कैट्स हैं इनमें से जेगुआर की बाइटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दे कैन बाइट डायरेक्टली थ्रू द स्कल ऑफ द प्रे, सीधा स्कल को भी ये बाइट कर सकते हैं। जेगुआर्स में ब्लैक जेगुआर्स हमारे पास आते हैं जिनको मेलानिस्टिक बोलते हैं। दे हैव मोर मेलानिन पिगमेंट एंड दे आर कॉल्ड एज, समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज ब्लैक जेगुआर बट मोर कॉमनली दे आर कॉल्ड एज ब्लैक पेंथर। एंड जेगुआर को बहुत एक पावरफुल सिंबल और पैटर्न के तौर पे यूज़ किया जाता था इन दी यू नो मेयान सिविलाइजेशन, एस्टेक सिविलाइजेशन ऑफ योर सेंट्रल अमेरिका। वहाँ पे जेगुआर को एज अ सिंबल यूज़ किया जाता था। ओके, अब जेगुआर की पिक्चर को आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आ जाएगा हमारा लेपर्ड। या सो यू कैन सी द वेरी सिमिलर टू जेगुआर, लेपर्ड का भी सेम रोजेट पैटर्न कोट है और जेगुआर का भी ऑलमोस्ट सेम रोजेट पैटर्न कोट है, राइट? सो दे आर वेरी सिमिलर, वेरी 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 सिमिलर। एंड जिम कॉर्बेट, ही हैज सेड दैट दैट लियोपर्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल द एनिमल्स। द ग्रेस ऑफ देयर मूवमेंट, द ब्यूटी ऑफ द कलर्स दैट दे हैव, दे द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल द एनिमल्स। प्लस IUCN स्टेटस देखे जाए तो वल्नरेबल है एंड दे आर मोस्ट अडेप्टेबल ऑफ ऑल द बिग कैट्स। सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल हैं, अलग अलग तरह के हैबिटैट्स में रह लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स पे रह लेते हैं, मेनली इन अफ्रीका एंड एशिया। ब्लैक जेगुआर के जैसे हमारे पास ब्लैक लेपर्ड्स भी होते हैं, वही सेम मेलनिन पिगमेंट उनकी बॉडी पे होता है, उनको भी ब्लैक पैंथर कह देते हैं। इवन इन सम अफ्रीकन कल्चर इट इज सेड दैट लेपर्ड इज बेटर हंटर देन लायन। लेपर्ड ज़्यादा अच्छा शिकार करता है लायन से। दिस इज वॉट इज बिलीव्ड इन द अफ्रीकन कल्चर्स। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ मेंबर हो गया पेंथेरा का, विच इज लियोपर्ड। फिर आता है जी स्नो लियोपर्ड। स्नो लियोपर्ड इज पेंथेरा उन्सिया एंड इसका साइज थोड़ा कम है, 25 to 55 kgs के बीच में वेरी करता है। वल्नरेबल है, जैसा कि हमने कहा, कैमोफ्लाज कर लेता है। इसकी जो बॉडी है ना वो स्मोकी ग्रे है, तो स्नो में कहीं बैठा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दहाड़ता नहीं है, कैन नॉट रोर, घोस्ट ऑफ द माउंटेन दिखता नहीं है, दहाड़ता नहीं है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स का एक भूत जो किसी तरह अटैक करता है आके। आपके सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में जितने भी माउंटेन्स हैं स्नो लाइन के अबव ये मोस्टली रहता है। इट इज़ मोस्ट इल्यूसिव ऑफ ऑल द बिग कैट्स, सबसे ज़्यादा इल्यूसिव है। एक तो ये रोर नहीं करता, यू नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच इट। इसे कैच करना बहुत मुश्किल है, पकड़ा नहीं जा सकता, इसके पास नहीं जाया जा सकता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट हैज़ द लॉन्गेस्ट टेल। सारी बिग कैट्स में से सबसे लॉन्गेस्ट टेल स्नो लियोपर्ड की होती है। एंड देयरफॉर जब वो क्लिफ्स पे, माउंटेन के क्लिफ्स पे अटैक कर रहे होते हैं, हंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इस टेल से उनको बैलेंसिंग मिलती है। दे कैन बैलेंस देमसेल्फ अराउंड द क्लिफ एंड प्लस दे यूज़ दिस टेल टू रैप देम अराउंड देयर बॉडी, जिससे कि उनको वार्मथनेस मिलती है। इंडिया में भी स्नो लियोपर्ड्स हैं। स्नो लियोपर्ड्स आर द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में ये स्टेट एनिमल इन्हें कहा जाता है, वहीं पर मिलते हैं। ठीक है, कौन? स्नो लियोपर्ड। तो ये पांचों आपके पेंथेरा फैमिली यहाँ पे, पेंथेरा जीनस यहाँ पे फिनिश होता है, जिसमें हमने लायन, लियोपर्ड, जेगुआर एंड टाइगर और स्नो लियोपर्ड कवर कर लिया। ठीक है जी, पेंथेरा जीनस यहाँ पे डन होता है। पेंथेरा के बाद आता है प्यूमा। पेंथेरा के बाद आता है प्यूमा। प्यूमा इज मोर लाइक अ डोमेस्टिक कैट, देख सकते हैं आप पिक्चर में। इसमें सिर्फ एक ही मेन स्पीशी है, विच इज काउगार। काउगार, इसका साइंटिफिक नेम है प्यूमा,
कॉनकोलर एंड लीस्ट कंसर्न इसका आईयूसीएन स्टेटस है, डोमेस्टिक कैट की जैसी इसकी रिजेंबलेंस है, 40 to 100 kg इसका वेट जा सकता है। अमेरिकाज में बहुत कॉमन है, अमेरिका में सबसे कॉमन तो जेगुआर है, जेगुआर इज द लार्जेस्ट कैट देयर, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है कौगार्स, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन अमेरिकाज। इनको माउंटेन लायन भी बोलते हैं, दे आर समवेयर ऑल्सो कॉल्ड एज पैंथर। पूरा आपका ये जो अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला एरिया है, कैनेडियन यूकॉन वाले एरिया से लेकर अलास्का के साउथ से लेकर आपके एंडीज तक ये प्रेजेंट हैं। कॉर्न कलर का मतलब है यूनिफॉर्म कलर, यू कैन सी सेम कलर है इनकी बॉडी में, कोई पैटर्न नहीं है, कोई स्ट्राइप्स नहीं है। एंड यू नो दी इनकास, दे डिजाइन द सिटीज ऑफ कस्को इन द शेप ऑफ कौगार। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू सी द रेलिवेंस ऑफ द एनिमल्स। इनका इज अ साउथ अमेरिकन यू नो पीपल, सेंट्रल एंडीज में ये वहाँ पे रहते हैं, एंड दे हैव डेवलप्ड दिस एंटायर सिटीज ऑफ कुस्को इन द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर कैट। सदरन पेरू वाला एरिया है, वहाँ पे इस तरीके से इसे डेवलप किया गया है। ठीक है जी, तो ये है आपका प्यूमा। प्यूमा में एक ही चीज़ आ गई, प्यूमा कॉनकलर। ठीक है जी, एंड देन लास्टली कम चीता। चीता बिलोंग्स टू, चीता इज पार्ट ऑफ एसिनोनिक्स, एंड इसका साइंटिफिक नेम है यू नो एसिनोनिक्स जुबाटस, एसिनोनिक्स जुबाटस। स्टेटस इज वल्नरेबल, दिस इज द फास्टेस्ट लैंड मैमल, यू नो इट इज द ओनली कैट विच हैज़ रिट्रैक्टेबल जॉज। इनके जो ग्रिप है वो उनको बहुत फास्टर मूव करने में हेल्प करता है। किसी भी स्पोर्ट्स कार से ज़्यादा फास्ट भाग लेता है, 3 सेकंड के अंदर अंदर 0 to 100 km/h की स्पीड अचीव कर लेता है। चीताज आर नॉट एग्रेसिव टुवर्ड्स ह्यूमन, एंड यू नो काफ़ी लंबे टाइम से दे वर टेम्ड इन द सुमेरियन एरा एज वेल। दे डोंट ब्रीड इन कैप्टिविटी। चीताज की बात है दैट दे आर वेरी यू नो दे आर वेरी हैव दिस वेरी पिकी फीमेल्स, दे प्ले वेरी हार्ड टू गेट, तो कैप्टिविटी में दे डोंट ईजिली ब्रीड, ये इनका एक फीचर है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया आपको कौन कौन सी बिग कैट्स हैं, कौन कौन सा जीनस है, चीता कौन से जीनस को बिलोंग करता है और बाकी सब कौन कौन है। अब ये डिस्कस हमने क्यों किया, देखो सीधा क्वेश्चन आते हैं स्पीशी के ऊपर बेस्ड। अभी 2022 में क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, अब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी, आपको इस पूरे बिग कैट जीनस के बारे में पता चल गया। यहाँ पे वाइट इबिस इज अ बर्ड, स्पून बिल इज अ बर्ड, इंडियन नाइट जार इज अ बर्ड, गोल्डन मासी इज नॉट अ बर्ड। क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्टली स्पीशी से, फिर 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पीशी, फिर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है स्वैम्प डियर एंड द नेशनल पार्क, फिर 2019 में टाइगर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ये ट्रेंड मैं आपको इसे शो कर रही हूँ। 2019 में भी क्वेश्चन आया, 2020 में भी क्वेश्चन आया, 21 में भी आया, 22 में भी आएगा और 23 में भी आएगा। स्पीशी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस टाइम द हॉट स्पीशी इज चीता। ओके जी, क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हियर वी विल रिमेंबर पेरियार ईवी रामास्वामी। 17th September is celebrated as Periyar E.V. Ramaswamy's birth anniversary, and India mein 17th September ko social justice day ke taur pe manaya jata hai on the occasion of Periyar E.V. Ramaswamy's birth anniversary. Ab yaad rakhiyega, ye India ka social justice day hai jo ki hum 17th September ko manate hain Periyar E.V. Ramaswamy ki yaad mein. We also have World Day of Social Justice. World Day of Social Justice में क्या होगा? Here you will recognize that what is the need to promote social justice, क्या efforts किए जा सकते हैं जिससे कि social justice बढ़े, how can we can tackle the issues like poverty, exclusion, gender inequality, unemployment, human rights, social protection, so that we can promote social justice. And internationally, जो World Day of Social Justice है,
दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th February एवरी ईयर. वो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है जो कि 20th February को मनाया जाता है. इंडिया में इंडिया का जो सोशल जस्टिस डे है हम वो पेरियार ईवी रामास्वामी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं. कौन है पेरियार ईवी रामास्वामी? ही वॉज बॉर्न 1879 इन तमिलनाडु. तमिलनाडु के इरोडे डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है. एंड ही यू नो क्वारल्ड विद गांधी जी. ही हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट अ डिसएग्रीमेंट विद गांधी जी ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ सेपरेट डाइनिंग फॉर ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स इन कांग्रेस पार्टीज. लेटर इन 1925 ही रिजाइंड फ्रॉम द पार्टी. ही देन एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद जस्टिस पार्टी एंड देन लेटर कम्स सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. नाउ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में बेसिकली ब्राह्मण्स की जो सोशल लाइफ में डोमिनेंस थी उसको अपोज किया गया, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी. पेरियार्स फेम इट स्प्रेड बियॉन्ड तमिल रीजन ड्यूरिंग द वाइकॉम सत्याग्रह ऑफ 1924. याद रखेंगे ये पॉइंट्स. इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये. वाइकॉम सत्याग्रह वॉज इन 1921. इट वॉज अ मास मूवमेंट इन विच इट वॉज डिमांड दैट लोअर कास्ट पर्सन मस्ट बी गिवन राइट टू यूज पब्लिक पाथ इन फ्रंट ऑफ द फेमस वाइकॉम टेम्पल. वाइकॉम टेम्पल के सामने लोअर कास्ट पर्सन शुड बी गिवन राइट दैट दे कैन यूज दैट पब्लिक पाथ. इसे कहा जाता है वाइकॉम सत्याग्रह. एंड देन ही वॉज रेफर टू एज वाइकॉम वीरावर, हीरो ऑफ वाइकॉम. याद रखेंगे, देखो जस्टिस पार्टी याद रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट याद रहता है, वाइकॉम सत्याग्रह भूल जाते हैं. वाइकॉम सत्याग्रह नहीं भूलेंगे. देन इसके बाद 1940 में पेरियार ने व्हाट ही डिड वाज ही लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल पार्टी डीके, द्रविडार कजागाम. द्रविडार कजागाम which was basically an independent Dravida Nadu. It had Tamil region, Malayalam, Telugu, Kannada speaker, they were present here. He died in 1973 at the age of 94, and over this year Periyar is referred to as Thanthalai Periyar, the father of modern Tamil Nadu. ठीक है जी. अब मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का पता हो. तो एक ही सोशल मूवमेंट है जिसमें जो कंटेम्प्रेरी हिंदू सोशल ऑर्डर था उसे डिस्ट्रॉय किया गया इन टोटैलिटी, और एक रैशनल सोसाइटी, एक न्यू रैशनल सोसाइटी बनाने की बात की गई जिसमें कास्ट, रिलीजन और गॉड प्रेजेंट नहीं है. इट्स अ रैशनल सोसाइटी नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन और द बिलीव्स इन गॉड. दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन तमिलनाडु 1925. ये पूरा का पूरा इगैलिटेरियन मूवमेंट था जिसमें जो ब्रह्मानिकल हेजेमनी थी उसे ब्रेक डाउन करने के लिए अपनी आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया गया. दैट देर इज़ इक्वल राइट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, देर शुड बी इक्वल राइट फॉर द वुमेन इन द सोसाइटी. इट ऑल दे ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स रिवाइटलाइजेशन ऑफ द्रविडियन लैंग्वेजेस. तमिल, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, इनकी रिवाइटलाइजेशन के लिए भी उन्होंने काम किया. अब सोचने वाली बात यह है कि हम सोशल जस्टिस डे क्यों मनाते हैं इनके जन्मदिन को. सो सोशल जस्टिस और परियार का लिंक ये है कि सोशल जस्टिस क्या है? दैट एवरीबॉडी डिजर्व्स इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल सोशल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. सोशल वर्कर्स दे आर ओपन, यू नो दे हैव दिस ओपन डोर दैट दे कैन एक्सेस अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, especially for those who have the greatest need. So therefore we can say that social justice and rationality, they are the best possible version of truth. And he promoted all of this. Foundation of rationalism, if we talk about, so the Periyar's vision was about inclusive growth and freedom of individual, and he presented that rationalism is a solid foundation for thinking on these lines of inclusive growth and freedom. He said that
विजडम लाइज इन थिंकिंग, द सुपर हेड ऑफ थिंकिंग इज रैशनलिज्म. विजडम लाइज इन थिंकिंग एंड द स्पेयर हेड ऑफ द थिंकिंग इज रैशनलिज्म. He also said that any opposition not based on rationalism or science or experience will one day or the other will reveal the fraud, selfishness, lies and conspiracies. So we cannot poise this with regard to the extreme right activities we see happening across the country and sometimes abroad too. All the reforms, you know, he shared this with people who could not be implemented at the time because of the discussion that they led to. The one reform that he felt needed was to change the caste dynamic in society. This was called the priesthood for all castes. So his work was more in the line of social justice and rationalism. And even Periyar is relevant in current times as well. Currently, we see there are very few people who are getting benefit from, you know, rampant rise of act of violence against the minorities. There are people, those who have external defense mechanism, that it becomes very easy for them to use, you know, incendiary riot tricks or get away with it. So, discussion that Periyar initiated continues till date. He said that he would always stand with the oppressed, in the fight against the oppressor, and his enemy was oppression. Now these days the spaces for debates are shrinking, majoritarianism, populism, they are not enabling sensible conversations in public sphere these days. So at such a time, Periyar still stands as a stellar president, reminding us of time when people with opposing ideas were invited on the stage for a debate. So, as a part of creating a society with social justice at its core, we should create such open places where discussions in our community can happen. If it need to be, let us spearhead such activities in whatever scale. Only these spaces have the potential of creating a positive change at an ideological level. Now, ये article वैसे भी important है हमारे modern history perspective से भी, you know, बहुत बार directly questions आ जाते हैं. अब 2021 में question आया है indirectly. Again, there were questions based on, you know, the same thing, personality based questions आ जाते हैं. Self respect movement के ऊपर तो questions आए भी हुए हैं. ये match the following में question आया हुआ है, कौन leader था किस movement का. Okay, so therefore, it is very important कि इसे पढ़ते हुए हमने जिन जिन movements की बात की है, जिन जिन modern history के perspectives की बात की है, आप उनको note कर लीजिए. जब भी आप अनुराग सर के साथ इनके बारे में पढ़ेंगे, just remember that this was in current as well, so that becomes even more important for your prelims examination as well as for your mains. So, I guess that is it. That is all for this video. आज की इस video के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much.